देखिए आज पूरा शहर कांग्रेसमय था, पूरा जन सैलाब आज राज बब्बर जी के लिए उमड़ा। और मैं कहता हूँ कि मोहब्बत की दुकानें आज पूरे बाजार में राज बब्बर जी के द्वारा खोली गई। लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, जगह जगह केक काटे गए, मिठाइयां बांटी गई, मैं तो दंग रह गया। और मैं बारंबार दुकानदार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना प्यार आप लोगों ने राज बब्बर जी को दिया। आज 36 बिरादरी राज बब्बर जी के साथ है। आज के प्यार से ऐसा लगा देख करके हम लाखों मतों से जीत दर्ज करने का काम राज बब्बर जी करेंगे। जनता विकास को लेकर जिस तरीके से भाजपा ने विनाश किया, आज पूरे शहर को एक कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया। चाहे बस अड्डे की बात हो, चाहे सरकारी अस्पताल की बात हो, चाहे गुड़गांव में नाव चलने की बात हो, आप कहीं भी देख लीजिए आज गुड़गांव के क्या हालात है। राज बब्बर जी की किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई व्यवस्था से है। उनकी लड़ाई जो ये विनाश इन लोगों ने किया उससे है, क्योंकि विकास पुरुष जो है वो राज बब्बर जी है। चाहे आप आगरा में देखिए, चाहे फिरोजाबाद में देखिए, आज भी जनता इनको याद करती है। और ऐसे नेता आज हमारे गुड़गांव लोकसभा को मिला, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली की बात है। और मैं आज पूरी जनता की तरफ से आश्वासन भी दिलाता हूँ राज बब्बर जी को कि आपको हम जीत का सहरा अवश्य बनवाएंगे। मंत्री साहब, रोड शो निकाला जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं क्या कुछ? देखो आज सारे गुड़गांव के अंदर उत्साह है, और उत्साह इसलिए है कि लोग बाग चाहते हैं कि जो राज बब्बर जीते, और जब राज बब्बर जी जीतेंगे निश्चित रूप से यहाँ कॉलेज बनेगा, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ रोड, सीवर, पानी। आज बड़ा ही उत्साह है लोगों में, निश्चित जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रहा पिछले 20 साल से, आज गुड़गांव में हर 36 बिरादरी में उत्साह है। निश्चित रूप से आप देखना जब 25 तारीख को वोट डालेंगे, 36 बिरादरी के साथ ही आज राज बब्बर जी के निशान, हाथ के निशान के सामने का बटन दबाएंगे, और जब वो बटन दबेगा तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र में एक गरीब परिवार की, एक किसान की, एक मजदूर की, एक व्यापारी की जीत होगी। जनता का जुलूस था, जनता आगे थी, मैं पीछे था। मेरी माताओं ने, बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मेरे इस क्षेत्र के सभी नेताओं ने इस जुलूस को लीड किया, और मुझे अपने पीछे इसलिए रखा कि वो लड़ाई आज मेरे लोग लड़ रहे हैं, मेरे नेता लड़ रहे हैं, मेरी जनता लड़ रही है। और आने वाले 25 तारीख को इसका फैसला होगा। सभी लोग मिलजुल के एक बदलाव के लिए निकल पड़े हैं। 4 जून को इस बदलाव का परिणाम आएगा जो जनता के पक्ष में होगा।